देखिए दोस्तों, ये SMB है, इसमें किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके वजह से जो SPD लगी हुई होती है, ये जो SPD है वो कम्युनिकेशन की SPD है, तो वो पूरी तरह से जल गई है। और जो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है वो भी जला हुआ है, तो हो सकता है जो हमारा शॉर्ट सर्किट है वो हमारा कार्ड में हुआ हो, और कार्ड की वजह से SPD भी जली हुई है और कार्ड भी जला हुआ है। तो देखिए, ये जो कार्ड है ये भी हमारा कम्युनिकेशन का कार्ड है, और इसमें किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके कारण जो SPD और ये जो कार्ड है वो पूरी तरह से जल गया है, और जो इसके वायर भी थे और जो कनेक्टर थे वो भी पूरी तरह से जल गए हैं। तो हमें इसी को चालू करना है, तो कैसे कर सकते हैं? और अभी हमारे पास क्या है, जो कार्ड है वो तो अवेलेबल है, और जो SPD है वो हमारे पास अभी नहीं है, और हमें SMB को चालू करना है, जिससे हमारी जो जनरेशन है वो बराबर होती रहे, हमारा कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसको मंगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे हमारा नुकसान भी होगा अगर जनरेशन नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले इसको चालू करना है। कैसे करेंगे? तो कार्ड तो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, जो कार्ड है उसको रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम आपको कार्ड दिखा देते हैं, और जो कार्ड होता है इसका नाम जो है वो सोलर कार्ड नंबर 5 है, तो वही हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो सेम कार्ड है, जो हमारा कार्ड जला हुआ है, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है, और इसका नाम सोलर कार्ड 5 है। तो इसको हमें इसकी जगह रिफ्लेश करना होगा। देखिए, जो कार्ड है उसमें जो पॉइंट है, ये रेड वाले उसमें वाइट वाइट जो पॉइंट हैं, उसको हमें सेम करना होगा जो हमारा जो कार्ड ख़राब हुआ है उसके, क्योंकि उसी से कम्युनिकेशन करता है। जो भी पॉइंट हमारा ऊपर है वो ऊपर करना होगा, जो पॉइंट नीचे है वो नीचे करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जो वायर हैं वायर को निकाल लेते हैं, जो कनेक्टर लगे हुए हैं कार्ड में, सभी कनेक्टर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये कनेक्टर पूरी तरह से ख़राब हो गया है, जल गया है, इसी कारण वो कनेक्टर निकल नहीं रहा है, तो इसको हमें वायर को निकालना होगा, जैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे भी निकाल लेंगे, ये पूरे स्क्रू भी जल गया है, यहाँ पर खुल नहीं रहा था, तो हमने इसको खींच के निकाल लिया है, और ये वाले जो कनेक्टर हैं वो निकल रहे हैं, तो इसको आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद हम कार्ड को वहाँ से खोलेंगे, तो जो नोज प्लायर है हमारे पास उसका यूज़ कर रहे हैं इसको खोलने के लिए, क्योंकि इसके जो नट हैं बहुत छोटे छोटे हैं। जब भी हम अगर इस तरह के कार्ड को निकालते हैं, तो जो हमारा नोज प्लायर है उसको हमें बहुत सावधानी से चलाना होगा, या जिससे भी हम निकाल रहे हैं उसको बहुत सावधानी से चलाना होगा। हमारा जो प्लायर है उसको कार्ड से किसी जगह स्क्रैच नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा कार्ड शॉर्ट ना हो। तो सभी जो हमारे नट लगे हुए हैं सबको आसानी से निकाल लेंगे सावधानी से। और बगल में जो हमारा कार्ड लगा हुआ है, देखिए इसमें जो दो नट हैं इसको भी हम लूज़ कर लेंगे, जिससे जो हमारा कार्ड है वो बाहर की तरफ आ जाए। तो इसको हम नट को बाहर नहीं निकालेंगे, बस लूज़ कर देंगे इतना कि जो थोड़ा सा हमारा गैप बना ले जो कार्ड है, जिससे हमारा ये वाला कार्ड है वो बाहर निकल आए। तो दोनों बार इसके जो नट हैं उसको हम लूज़ कर लेंगे, और उसके बाद पुश करेंगे कार्ड को, अपने साइड खींचेंगे, तो जिससे हमारा जो कार्ड है वो बाहर निकल आएगा। तो देखिए, अब हमने नट खोल लिए हैं, वहाँ पर लूज़ कर लिएंगे, और इस तरह हमें इसको निकालना होगा। तो देखिए, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, वहाँ से जो नट लगे हुए हैं वहाँ से कार्ड को थोड़ा प्रेस करके बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद थोड़ा राइट साइड को खींचेंगे, जिससे हमारा जो कार्ड है वो कनेक्टर से निकल आएगा। तो देखिए, ये जो कनेक्टर हैं वो सही से निकल आए हैं। तो हमें ऐसे ही बिल्कुल सावधानी से निकालना होगा कि जिससे हमारा जो कनेक्टर की पिन है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, टेढ़ी ना हो। देखिए, जो कार्ड है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जल गया है पूरी तरह से, और जो इसके कनेक्टर थे वो भी जल गए हैं, और जो वायर कनेक्ट थे जो स्पार्क हुआ है उसकी वजह से जो वायर हैं वो भी जल गए हैं। तो अगर हम वायर को यहाँ से काट देंगे तो ये वायर यहाँ से हमारे कार्ड में सही से फिक्स नहीं बैठेंगे। तो क्या करेंगे, जो वायर जला है उसको घुमा के हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने वहाँ से निकाल लिए हैं, और जो वायर हमारे सही हैं उसको हम जहाँ से आ रहे थे वहाँ से रहने देंगे। तो देखिए, वो वाले वायर जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं, जो जले हुए थे बीच से यहाँ पर निकाल लिए हैं, और ये वाले वायर हम सेम रहने देंगे जैसे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, जो वायर हैं उसको हम छील लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास लग भी नहीं है, तो हम जो वायर हैं उनको छील के डबल कर लेंगे, मोड़ लेंगे, जिससे जो कनेक्टर में अच्छे से फिक्स हो जाए। और जो कनेक्टर हैं वो भी हमारे पूरी तरह से जल गए हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो कनेक्टर जो सही थे उनमें से बीच से कोई कनेक्टर काट के लगाना होगा। तो देखिए, हमने ये कनेक्टर हैं जो बड़े कोई थे, जितने हमें पॉइंट यूज़ हो रहे हैं हम उतने उतने का काट लेंगे, तो और जो सही थे वो लगा देंगे। तो हमने इनको कनेक्टर को काट लिया है अभी, जिससे हमारा काम चल जाए। देखिए, सभी वायर को हमने कनेक्टर में कनेक्ट कर लिया है, इसके बाद हमें कार्ड को लगाना होगा। तो कार्ड को उसी तरह लगाएंगे जिस तरह हमने इसको निकाला था, बहुत ही सावधानी से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, जो दूसरा कार्ड है उसमें जो पिन लगी हुई हैं
तो वो पिन देख लें कि कोई भी ऊपर नीचे पिन ना हो, जैसे हैं बिल्कुल पैरेलल में लगी होनी चाहिए सही से। उसके बाद जो हमारा ये वाला कार्ड है उसके जो ग्रुप हैं उसको उसके पिन के सामने लाएंगे और फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए बिल्कुल आसानी से प्रेस करना है जिससे जो हमारे ग्रुप में सभी पिन बैठ जाएँ। उसके बाद हम थोड़ा सा और प्रेस करेंगे जिससे जो हमारा कार्ड है वो पूरी तरह उसमें फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी गैप ना रहे। तो देखिए हमारा जो कार्ड है वो पूरी तरह फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो सारे नट हैं इसके सभी कार्ड के सभी नटों को आसानी से लगाएंगे और जब टाइट करेंगे ना तब इतना ध्यान रखें कि हमारा नोज प्लायर जो है वो किसी भी तरह हमारे कार्ड के किसी पार्ट को डैमेज ना करे, किसी पार्ट से टच ना हो। और कार्ड के किसी भी पार्ट जैसे बीच में भी कहीं भी गलती से भी हमें प्लायर को टच नहीं करना है, नहीं तो अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो उससे भी हमारा जो कार्ड है वो शॉर्ट हो सकता है। तो बिल्कुल आसानी से इसको करना होगा बहुत ही सावधानी से। तो सभी नटों को अच्छे से कस लेंगे और इसको लूज़ भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अगर लूज़ रह जाएगा तो जो हमने पिन को फंसाया है अगर वो थोड़ी सी भी लूज़ रहेंगी तो उससे भी स्पार्किंग हो सकती है जिससे कार्ड दोबारा भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से करना होगा। तो हमने दूसरे वाले वायर के भी जो स्क्रू हैं जो नट हैं उसको भी लूज़ किया था, तो उसको भी हमें अच्छे से टाइट कर लेना होगा, बिल्कुल भी लूज़ ना छोड़ें इसको भी। तो दोनों को टाइट करने के बाद अब हमें जो कनेक्टर हैं वो कनेक्टर लगाने होंगे। तो जो कनेक्टर जिसे लगा था हमें उसी जगह लगाना होगा कनेक्टर को, कहीं भी हम कनेक्टर की जो जगह है वो नहीं बदलें, नहीं तो इससे भी जो हमारा कार्ड है वो ख़राब हो सकता है। तो जो कनेक्टर जिस जगह लगा था उसी जगह लगाएं। कभी भी इस प्रकार का काम करें तो जैसे कोई कार्ड निकाल रहे हैं तो उससे पहले क्या करें, जो उसकी फ़ोटो ले लें उसको रख लें, इसके बाद जब दोबारा लगाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा वायर है वो हमारा किस जगह कनेक्ट होना है, जिससे आपको बहुत ही सावधानी रहेगी और आपसे किसी भी प्रकार की कभी गलती नहीं होगी। तो चलिए जो कनेक्टर था उस जगह हम लगा लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो SPD लगी हुई थी SPD को हमें निकालना होगा क्योंकि ये पूरी तरह जल गई है, ख़राब हो गई है। तो हम क्या करेंगे, जो SPD है उसके जो कनेक्शन है वो निकाल लेंगे और SPD को भी बाहर निकाल लेंगे। SPD को बाहर निकालने के बाद ये देखिए जो SPD है वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है, पूरी तरह से जल गई है, जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो कनेक्शन है वो सब कर लिए हैं, अब हम इसको चेक करके देखते हैं जो हमारी सप्लाई ऑन होती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी एक ही स्ट्रिंग को चार्ज करेंगे, सभी को नहीं करेंगे। तो जो 24 नंबर स्ट्रिंग का हमने फ्यूज़ पॉजिटिव को ऊपर किया है और नेगेटिव दोनों को यूज़ कर लिया है, ये हमारा कंट्रोल का फ्यूज़ है जिससे कंट्रोल सप्लाई आती है। और अब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इसमें। तो देखिए अब हमारी जो सप्लाई है वो कार्ड में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो हमारा आप कार्ड रन कर सकता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो इसको स्विच को दोबारा बंद कर लेंगे और दोबारा बंद करने के बाद जो सारे फ्यूज़ हैं उसको हम लगा देंगे, सभी को ऑन कर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव साइज फ्यूज़ है तो सभी फ्यूज़ को हमें अच्छे से फिक्स कर लेना है और नेगेटिव साइज जो फ्यूज़ है उसको भी हमें लगा लेना होगा। तो सभी फ्यूज़ को लगा लेने के बाद फ्यूज़ कवर लगा लेना होगा। फ्यूज़ कवर लगाने से हमारा एक फ़ायदा होगा कि अगर SMB में कोई फॉल्ट फिर भी रह जाता है तो अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो वो उसकी वजह से कोई स्पार्क निकलेगा तो उससे हमें नुकसान ना हो, इसीलिए हमें फ्यूज़ कवर को अच्छे से बंद कर लेना चाहिए। हम दोनों साइड के फ्यूज़ कवर को अच्छे से बंद कर लेंगे उसके बाद ही स्विच को ऑन करेंगे। और जो ये स्विच होता है उसका SMB को हमें स्विच को नीचे की साइड प्रेस करना पड़ता है और इसको भी हमें बहुत सावधानी से प्रेस करना होगा और इससे थोड़ा अपना जो फेस है उसको दूर करके रखना होगा। तो देखिए हमारी SMB जो है वो चालू हो गई है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये अब आसानी से चल सकती है और जनरेशन को कर सकती है।